था लास्ट क्लास में, और आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ग्राफिक्स के बारे में। ग्राफिक्स के बारे में मतलब कि अगर आप पिक्चर के अलावा कुछ और सैप्स वगैरह आप लेना चाहते हो, जैसे कि कोई बॉक्स लेना चाहते हो या कुछ अदर सैप्स लेना चाहते हो, तो कैसे लोगे, इसमें हम ये आपके आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि चलो, मैंने आपको मेल करी थी, वहां हाँ देखी थी देखा आपने। देखा मैंने, लेकिन उतना अच्छा नहीं बनाया, लेकिन ठीक है आपने बनाया, कोशिश किया, इसके लिए मैं खुश हूं। सर वो समझ ही नहीं आया था। हाँ वही बता रहा हूँ, सैप्स में अब तो समझ में आएगा आपको, अभी देख लीजिए। जैसे कि आपको लास्ट लास्ट हमारी जो मैंने ये भेजा था, उसमें आपको दिक्कत हुई कि आप सही तरीके से नहीं बना पाए थे बैनर, तो हम खुद ही बताते हैं कि बैनर आप बनाएंगे कैसे। ठीक है, ये मेरा नसीब इसमें हमने दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बैनर में देखिए पट्टी है, इसमें दिख रहा है ना सर, तो इसमें हम इसको टेबल के जरिए भी बना सकते हैं, टेबल के जरिए भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, देखिए टेबल के जरिए बना सकते थे, 1 2 3 4 टेबल से ही बनाया था सर। हाँ टेबल के लिए बनाया था आपने। अच्छा, जी, चलिए अब इसमें इसको पूरे को सेलेक्ट करके मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। यहाँ लेआउट में आइए, इसको हम क्या करेंगे, ठीक है, लेआउट में मर्ज सेल, सॉरी ये आपका मर्ज सेल हो जाएगा, राइट, और नीचे वाला ये बिल्कुल ठीक जाएगा, और ये नीचे वाला भी मर्ज जाएगा। और फिर यहां इसकी जो बैकग्राउंड कलर है, यहां से फिल कलर जो है वो आप कर दीजिए ग्रे, कोई और कलर जो है, और इन सब की कलर आप अलग अलग कलर दे दीजिए, और इसकी कलर अलग दीजिए, इसकी अलग कर दीजिए, और इसकी साइज को आप बढ़ा दीजिए, जैसे ये साइज है ना आपकी, इस साइज को आप यहां से बढ़ा दीजिए, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए, बीच वाले को बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, इसको बढ़ा सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं, हो गया। अब इसकी आउटलाइन जो बॉर्डर जो ब्लैक है, उसकी बॉर्डर को कुछ और कलर कर दीजिए, और इसमें अपना हिसाब से जो डालना है डाल दीजिए। एक टेबल के अकॉर्डिंग आप कर ही सकते थे, लेकिन टेबल के अलावा आप जो है सैप्स के जरिए भी इसको कर सकते थे, जैसे ये देखिए है ना, तो इंसर्ट में आप आएंगे तो आपके पास सैप्स होते हैं, मतलब कि डिजाइन्स होते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको लिया और हमने इन पूरे को पहले से पूरे को यहां से डिजाइन कर दिया, ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में हम जाएंगे सैप्स, फिर सेप्स में हमारे पास जो है सॉरी गलत हो गया, सेप्स यहां से वो वापस लेके कितना है, 4 है ना, हो गया, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, और फिर इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल दबाइए और इसकी कॉपी बना लीजिए, एक कॉपी, दो कॉपी एंड 4 कॉपी, प्रॉब्लम आ गई कि चौथी कॉपी जो है 4 कॉपी नहीं बन पा रहा है, तो हम वापस जो है इस सबको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि सेम साइज होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, तो हम इसको डिलीट करते हैं और इसको छोटा कर देते हैं। तो सैप से बनाने में थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन वही
आपको अलाइनमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन टेबल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अलाइन अपने आप हो जाता है। ठीक है, और फिर वापस इन चारों को सेलेक्ट किया, दो लाइन है, एक लाइन नीचे, और हम सॉरी कंट्रोल से कंट्रोल दबा के एक लाइन और हमने नीचे कर दिया। अब इसमें फॉर्मेट में आएंगे तो इसकी अलाइन, अब देखिए कि इसमें अलाइनमेंट थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको अलाइन आप कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अलाइन में, यहाँ देखिए अलाइन यहाँ पे होता है अलाइन, अलाइन में मैंने बोल दिया अलाइन टॉप, तो सब एक सीध पे आ गए। और अलाइन में एक होता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, मतलब कि सबकी जो बीच का गैप है ना वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, और वापस इसको भी सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद अलाइन में हम करते हैं टॉप, तो सब एक बराबर हो जाए। और अलाइन में यहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, मतलब कि एक साइड से दूसरे साइड के बीच में जितना स्पेस है वो स्पेस कम होना चाहिए। हेलो जी, हाँ मैं क्लास में रहूँ, मैं क्लास के बाद इसे लड़के कॉल करता हूँ आपको सर, 10-15 मिनट में आपको। ठीक है सर, हो गया। और उसके बाद नीचे देख रहे हैं, तो नीचे वाले को आप भी जो है सेम ऐसे इंसर्ट में आए, और इंसर्ट में आपके पास एक और शैप ले, और इस शैप को यहां से थोड़ा सा और नीचे कर दें इसको। ठीक है, और सबका कलर कैसे चेंज करेंगे, तो कलर या डिजाइन के लिए जैसे शैप को सिलेक्ट करते हो, तो आपको यहाँ भी बहुत सारे कलर एंड डिजाइन है, आप हर किसी का अलग अलग डिजाइन सेलेक्ट कर सकते हो। समझ गए, सर जी हर किसी का अलग अलग डिजाइन सेलेक्ट कर ले जो आपको अच्छा लगे। समझ गए, अच्छा बात आती है इसमें कुछ लिखने की, इसमें कुछ लिखने की बात लिखने आती है, तो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, लिखने की बात आती है तो लिखने के लिए हम इंसर्ट करेंगे यहाँ, आपको इंसर्ट में वर्ड आर्ट दिख रहा है, दिख रहा है सर वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप अपना लेटर ले, जो जैसा लिखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें, तो यहां पे लिखे जैसे कि लिख दिया एडवांस एक्सल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, और इसको यहां अलाइन कर दीजिए, साइज छोटा बड़ा करना है तो यहीं से आप साइज छोटा बड़ा होम मेनू से कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे। फिर वापस ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हम इस पे भी लिख सकते हैं, इस पे भी मैं लिख देता हूँ एक्शन, इस पे भी लिख सकते हैं और इस पे भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है,
लेकिन इसके फायदा क्या होगा कि लिखेंगे तो इसके अंदर ही रहेगा, देखिए बाहर से रखा गया है। तो आप च्वाइस कर लें कि आप इसी पे सिलेक्ट करके लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे वी ए माइक्रो, ठीक है, वीवीए मैक्रोज। अब इसको यहां से आप बड़ा कर सकते, इसको अपना अलाइन कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जैसा करना चाहे तैसा कर सकते हैं। लेकिन वही दिक्कत होता है, इसकी साइज बड़ा करोगे और एक छोटा बड़ा रहेगा, तो देखिए ये नीचे है ऊपर है, तो इसलिए हम यहां इससे यूज करते हैं, जो आप देख रहे हैं ना ऑब्जेक्ट, सॉरी माफ कीजिए वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट से इसलिए लेते हैं। ठीक है सर, तो नहीं है, नहीं जैसे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहां पे देखिए मैंने आईची ग्राम यहां पे लिखा हुआ है ना, तो आईची ग्राम का अगर मुझे यहां पे देना है तो यहाँ पे तो सैप है नहीं, तो मैं वर्ड आर्ट के थ्रू दे दूंगा, कोई पिक्चर वगैरह सेम ऐसे ही हम रख सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा सैप, तो सैप्स में ये इतने सारे आपके पास ऑब्जेक्ट हैं जो आपको दिख रहे हैं, दिख रहा है? अब इसमें टूल ऑब्जेक्ट जैसे यूज करना है उस तरह से यूज करना, तो स्टार से लेके क्लाउड से लेके, इससे बाहर कोई बंदा है उसको सोचने का बना रहे हो, तो सोचने वाला देखे होता है ना, पेपर वगैरह पढ़े होंगे हमेशा आपका मैगजीन में, न्यूज पेपर में, और क्या बोलते हैं कॉमिक्स बुक में, तो अब इस पर कुछ लिखना है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर लिख के बाहर होती या वर्ड आर्ट से लिख के इस पे वापस डाल सकते। ठीक है सर, तो ये सैप्स के बारे में जान गए, तो आप क्या करें कि जैसे कि मैंने आपको ये भेजा था पिक्चर, ऐसे एक और पिक्चर मैं आपको मेल कर रहा हूँ, उसको आप जो है एक तो टेबल से आपने बनाया, तो मैंने देखा उसको, थोड़ा तो उसको सुधारोगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो ये रहा बैनर, ये बैनर दिख रहा है आपको सर, इस बैनर को आप ऑब्जेक्ट के इसके जरिए सैप्स के जरिए बनाइए, सैप्स एंड बोर्ड आर्ट के जरिए बनाइए, ठीक है। मैं आपको भेज रहा हूं, अभी वर्ड पे ही बनाया हुआ है और किसी ने बना के भेजा है, मैं एक और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो उन्होंने मुझे बना के भेजा, तो मैं चाहता हूँ आप भी ट्राई करें, फिर कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चार्ट्स, वीडियो वीडियो इसमें चार्ट्स हुआ, वीडियो चलाना, इसमें यूट्यूब का वीडियो चलाना, इनमें से वर्ड में, इन सब चीजों पे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे साथ, ठीक है सर? सर रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दीजिए, रिकॉर्डिंग आज जल्दी रिकॉर्डिंग जल्दी भेज दीजिए। थोड़ा देर भेज दूंगा आपको।